जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका हमारी घटना चक्र की सीरीज़ में। एंड वी वर डिस्कसिंग इकोनमी, और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो घटना चक्र की हिस्ट्री और इकोलॉजी, इन दोनों की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दिया है, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ पे ही चल रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आई दृष्टि जो घटना चक्र जो है वो हमने स्टार्ट कर दिए। तो तीन वीडियोस आपको प्रॉपरली अभी मिलेंगे। मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आफ्टरनून यू विल गेट इकोनॉमिक्स, एंड इन द इवनिंग यू विल गेट द ज्योग्राफी। ठीक है, इसके अलावा दो जो पूरी प्लेलिस्ट हैं वो तो आप कभी भी देख ही सकते हैं, वो आपको मिल ही रही हैं। सो काइंडली चेकआउट द प्लेलिस्ट अवेलेबल, और जितने भी अभी आपके लिए जो करंट में जो चल रहे हैं उनको भी आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आगे बहुत सारी चीज़ें हम साथ में करेंगे। दिस इज़ अ कम्युनिटी विच इज़ ग्रोइंग, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जो लोग भी कर रहे हैं और जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, देन प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, और आप आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए। ठीक है, तो बोलती तो मैं रोज़ हूँ खैर, बट कोई करता नहीं है। एनीवेज मुझे नहीं बंद करना है, बिकॉज़ आई वॉन्ट दिस टू गेट इन टू लास्ट माइल। जिन लोगों को नहीं एक्सेस है वहाँ तक भी ये जाए, ये अभी एक मेरा फ़िलहाल एम है। बट हाँ, आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देते हैं। सो प्लीज़ काइंडली डू द नीडफुल। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 111 से। सो क्वेश्चन नंबर 111, इट सेज अबाउट व्हाट इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी रेफर्स टू। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, द मनी सप्लाई इज़ फुली कंट्रोल्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ना तो वहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर सामान भेज रहे हो, ना ही किसी और से ले रहे हो। आप जो भी कुछ कर रहे हो इसे क्लोज बाउंड्री में कर रहे हो। ठीक है, सो क्लोज इकोनॉमी ऐसी होती है जहाँ पे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है बाहर की इकोनॉमी के साथ। इट इज़ एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट, विच मीन्स नो इम्पोर्ट्स कम इन टू द कंट्री एंड नो एक्सपोर्ट्स लीव द कंट्री। ठीक है, तो आप जो भी हो अपने सेल्फ सफिशिएंसी में मेंटेन्ड है। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है डिसमेंटलिंग द बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। डिसमेंटलिंग द बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर एंड पॉपुलेशन, ब्रॉट अबाउट बाई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नहीं बोल रहे हैं कि जो भी बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में उसको ख़त्म करना, दैट इज़ बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, या कम करना, रिस्ट्रिक्शंस पे कम करना। सो ये जो इंटरडिपेंडेंस हो रही है आजकल वर्ल्ड, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमीज कैसे चल रही हैं, इंटरडिपेंडेंस है। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कहीं कुछ देशों पे डिपेंडेंट हो, कुछ देश आप पर डिपेंडेंट है किसी कमोडिटी के लिए, तो ये इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, या इससे जो है ट्रेड ग्रो कर रहा है आपकी इकोनॉमीज, कल्चर, पॉपुलेशन। अब जैसे कि हम बात करें कि इंडिया जो है एक टेस्ट बेड की तरह काम करता है जितनी भी बड़े लॉन्चेस होते हैं। लेट्स से व्हाट्सएप को कोई नया फीचर लॉन्च करना है या किसी नए तरीके का वो अपना टेस्ट करना चाहते हैं, सो इंडिया इज़ अ गुड टेस्ट बेड फॉर देम। व्हाई? बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इतनी लार्ज है, और हर पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट जो मेम्बर्स हैं, ह्यूज चंक, ह्यूज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दे आर यूजिंग दैट फीचर। ओके, दे आर यूजिंग व्हाट्सएप। तो उनके लिए टेस्ट बेड अच्छा क्या होगा? क्या उनके लिए इंडिया एक अच्छा टेस्ट बेड होगा, या फिर हमारे जो मान लीजिए नेपाल पड़ोसी देश है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, भूटान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंपैरेटिवली हमसे तो कम ही है जनसंख्या, तो उनके लिए टेस्ट बेड बेहतर क्या होगा? और इंटरनेट की समस्या इंडिया में है नहीं, ये हम सबको पता है। वी ऑल हैव एक्सेस टू इंटरनेट, ऑलमोस्ट। आई एम नॉट सेइंग टू द वेरी लास्ट माइल थिंग, बट ऑलमोस्ट वी ऑल हैव एक्सेस टू द दिस इंटरनेट। तो टेस्ट बेड बेटर क्या होगा? टेस्ट बेड इज़ बेटर, बेटर इज़ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटरडिपेंडेंस है। ऑल राइट, हमें पता चलता है मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है। सो ये होती है ग्लोबलाइजेशन, कल्चर, पॉपुलेशन, जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से आती हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जनरली रेफर्स टू इंक्रीजिंग फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज एंड डिसमेंटलिंग द बैरियर्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड।
नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, अब सिमिलर क्वेश्चन आ गया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, कि मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस होना इकोनॉमिक रिलेशंस में विद अदर कंट्रीज. सो ग्लोबलाइजेशन जनरली मीन्स इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी ऑफ आवर नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. कैसे? ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लोज, माइग्रेशन, स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड सर्विसेज एटसेट्रा. हैंस अमंग द गिवन ऑप्शन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. ऑलराइट, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन में क्या नहीं आता है? तो ग्लोबलाइजेशन में देखो, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, एबॉलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग आते हैं. ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे आप रिड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैरी कर सकते हो. ठीक, फ्री फ्लो ऑफ FDI, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी. डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सो इट डज़ नॉट इंक्लूड इन दैट, बिकॉज ये मेजर स्टेप होता है टुवर्ड्स डिस इन्वेस्टमेंट. का मतलब क्या है कि आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को डाइवेस्ट कर रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, उसको लिबरलाइज कर रहे हो अपनी इकोनॉमी को. That is basically disinvestment, does not come under globalization. Which of the following statements about globalization is not correct? आपको not correct बताना है. ठीक, it has encouraged Indian industrialists to seek foreign investment. Globalization इसी का नाम है. आप बाहर, आपका जो trade है वो inter country trade चल रहा है. ठीक है, it has motivated top industrialists in India to buy large ventures in foreign countries. बिल्कुल, it has tempted foreign companies to buy Indian companies. इसने it has tempted foreign companies कि वो Indian companies को खरीदें. ये भी globalization का एक part है. it has created a sense of optimism among the small entrepreneurs in India. देखिए, globalization के बारे में आपसे सही नहीं पूछा है, तो बोल रहे हैं कि globalization का मतलब क्या है, कि foreign investment जो है और जो बड़ी companies हैं उससे related बात. अब कोई foreign company आके, मान लीजिए कल को मैंने एक छोटा सा startup अभी खोल लिया, अभी grow नहीं कर रहा है, तो मेरे अंदर वो ऑप्टिमिज्म जो आ रही है वो किस पर आएगा? आई विल गो इन टू द मार्केट इन माई ओन कंट्री, आई विल सी द क्राउड और उसके हिसाब से मैं खोलूँगी. अभी मैं ग्लोबलाइज कंट्रीज़ पे फोकस नहीं कर रही हूँ. ठीक है, सो वो कंपनी भी आके मुझे टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करेगी, उससे मुझे कोई उसको मेरे से कोई कॉम्पिटिशन की चिंता नहीं रहेगी. ठीक, और मेरा कोई ऑप्टिमिज्म उसकी तरफ नहीं बढ़ेगा कि नहीं कल को इस कंपनी की वजह से मेरा जो काम है वो रुक सकता है. बिकॉज वहाँ बात किसकी हो रही है, ग्लोबलाइजेशन में बात किसकी हो रही है, द लार्ज कंपनीज आर डीलिंग. ठीक है, आई एम नॉट स्टैंडिंग आउट देयर. मी एज एन एंटरप्रेन्योर, एक छोटा जो एंटरप्रेन्योर है मेरी तरह, वो उसको ना मुझे ना उनसे टेंशन हो रही है, ना उनको मुझसे हो रही है. ठीक है, बिकॉज आई एम डूइंग इन माई ओन रीजन. ऑल राइट, तो ये इसका पार्ट नहीं होता है, ये मीनिंगफुल भी नहीं है कि मतलब I will start something, I'll think about the, let's say I'm starting something in education, तो मुझे लगेगा नहीं कल को ऑक्सफोर्ड की चीज़ों को मैं टेक ओवर, या ऑक्सफोर्ड वालों को लगे ये टेक ओवर करने वाला, दैट इज़ अ बिग सेंस ऑफ थिंग. ठीक है, तो वो बिग सेंस ऑफ थिंग है, वो मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अनदर एज रीजन. असर्शन ये बोल रहा है, एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज on the capital goods. An important policy instrument of economic liberalization, ये क्या होगा कि import duties को reduce किया जाए, capital goods पर जो import duties लग रही है उसको reduce किया जाए. Reason ये है कि reduction in import duties would help the local entrepreneur to improve the technology to face the global market. तो बिल्कुल सही बात है कि reduction की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर duties को reduce करोगे तो जो local entrepreneurs हैं इंडिया के, वो अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे और ग्लोबल मार्केट को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे. ठीक है, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो रिड्यूस की जाए, जिससे कि आप जो बाहर से जो माल मंगा रहे हैं, लेट्स से आप कोई रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, अब इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी हाई होगी तो जो यहाँ का जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है या जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, वो उसकी वजह से उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा और जो है टेक्नोलॉजी मूव नहीं कर पाएगी. तो आप इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को ले सके, रॉ चीज़ों को, और यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके मे बी फ्यूचर में वही चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर पाए. ठीक है, तो ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, लिबरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये ज़्यादा इकोनॉमी प्रोवाइड करता है बिजनेस को इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेट्स द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट. आफ्टर इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, एक ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिला था.
ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था इन द इकोनॉमी. एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमी लिबरलाइजेशन इज़ द रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कैपिटल गुड्स, जो कि क्या करेंगे, विच विल मेक इट पॉसिबल फॉर द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ अगर रिड्यूस हो जाती हैं तो इससे क्या होगा, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं दे विल गेट हेल्प. हाउ दे कैन इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट. तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्ट एक्सप्लेन एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स टू लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी. ऑल राइट, नेक्स्ट. द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर द रिजीम ऑफ द, पहला फेज जो था वो किसके रिजीम में स्टार्ट हुआ था लिबरलाइजेशन का, LPG की अगर हम बात करें तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे इट वॉज स्टार्टेड अंडर द रिजीम ऑफ PV नरसिम्हा राव 1991. Encouraging more multinational companies in India is to promote the policy of, तो ज़्यादा से ज़्यादा multinational companies को इंडिया में प्रमोट करना, ये किस पॉलिसी के अंतर्गत आता है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या फिर सभी, तो ये सभी के अंतर्गत आएगा. Which of the following has or have occurred in India after its liberalization economic policy in 1991? So share of agriculture in GDP increased enormously. Share of India's export in world trade increased, FDI inflows increased, India's foreign exchange reserve increased enormously. So, ये बोल रहे हैं कि जब से ये liberalization हुआ है economic policies का 1991 में, तो क्या क्या आपको फ़ायदे देखने को मिले, मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं. तो देखिए, agriculture का जो share है वो enormously increase नहीं हुआ है, क्योंकि लिबरलाइजेशन आना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए मार्केट ओपन होना. ठीक है, सो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वो इट वाज नियरली 30% ऑफ द टोटल GDP इन 1991, और 2017 में आते आते उसका जो GDP शेयर था वो 17% हो गया था, तो वो घट गया था. WTO के डेटा के अनुसार बाकी अगर हम चीज़ें देखें तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में वो 1.6% रहा है 2020 में, जो कि 0.5 और 0.7 ही था 1990 और 2000 वाले एरा में. टोटल FDI फ्लो इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है, US $4029 मिलियन था 2001 में टू US $4518 मिलियन इन 2014-15 एंड 2020-21 में होके वो 81,722 मिलियन हो गया, तो ये इनॉमसली बढ़ा है. इंडिया हैड फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ ओनली अबाउट US $1.1 बिलियन इन 1991, जो कि इनॉर्मसली इंक्रीज हुआ US $300 बिलियन इन अप्रैल 2014 एंड US $606.48 बिलियन इन अप्रैल 2022. तो स्टेटमेंट 2, 3, 4 इसमें सही हो जाएंगे, एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो घटा है. फ्री ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू अ पॉलिसी वेयर देयर इज, फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, जहाँ पर टैरिफ नहीं होता है. ठीक है, जहाँ पर टैरिफ नहीं होता है उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी. सो ये एक पैक्ट होता है दो या दो से अधिक नेशंस के बीच में कि आप जो बैरियर्स हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के उनको रिड्यूस कर दीजिए. तो फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज हैं दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर विद लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ, या तो बहुत ही कम होगा या फिर नहीं होगा. तो ये एक पॉलिसी ऑलरेडी हो जाती है इन दो या दो से अधिक देशों के बीच में, जिसके आधार पर आपका टैरिफ जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है. नेक्स्ट, फ्री ट्रेड जोन्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर, तो फ्री ट्रेड जोन्स किस लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, बैकवर्ड एरियाज़ के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्री ट्रेड जोन्स डेवलप किए गए हैं इंडिया में. फ्री ट्रेड जोन क्या होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पर जो गुड्स हैं दे मे बी लैंडेड, गुड्स बाहर से अगर आ रहे हैं वाया एनी रूट, मेनली वाटर रूट, तो वो लैंड किए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं, हैंडल किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर उनको रीकन्फिगर भी किया जा सकता है, और फिर उनको री एक्सपोर्ट किया जाता है अंडर स्पेसिफिक कस्टम रेगुलेशन एंड जनरली दे आर नॉट सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी. ठीक है, वो तो खैर डिपेंड करेगा आपके क्या आपस में जो पैक्ट हुआ है, पर जनरली उनमें कस्टम ड्यूटी नहीं लागू होती. फ्री ट्रेड जोन क्या होता है, इट इज़ वन वेयर ट्रेड इज़ डन विदाउट रेस्ट्रिक्शन, एनी एंटरप्रेन्योर इज़ फ्री टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज. Infrastructural facilities are provided free to entrepreneurs by the government, or industries are free from excise duties and produce more produce for exports. तो ये इसमें सही हो जाएगा.
नेक्स्ट देखते हैं. इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इंडिया में कब अनाउंस हुई थी? अप्रैल 2000 में. सो SEZ पॉलिसी इंडिया में पहली बार इंसेप्शन में आई थी 1 अप्रैल 2000 में. इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था टू एनहेंस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड एन इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव एंड हैसल फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स. आइडिया वॉज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री एंड रियलाइजिंग द नीड दैट लेवल प्लेइंग फील्ड मस्ट बी अवेलेबल टू डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू बी कॉम्पिटिटिव ग्लोबली. द पॉलिसी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन. सो पॉलिसी फॉर SEZ ये इंट्रोड्यूस हुई थी पहली बार कब? 2000 में, सन 2000. बी होगा इसका, देखिए. ठीक है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन विच ईयर? सो ये इफेक्टिव हुआ था 2006 में. SEZ एक्ट 2005, इट वॉज पास बाय पार्लियामेंट इन मे 2005 एंड दिस वॉज सपोर्टेड बाय SEZ रूल्स केम इन टू इफेक्ट ऑन 10 February 2006, providing drastic simplification of the procedures and single window clearance on matters relating to central as well as state government. Main objective kya hai SEZ ka? Generation of additional economic activity, promotion of export of goods and services, promotion of investment from domestic and foreign sources and creation of employment opportunities, saath hi saath development of infrastructure facilities. Next, Special Economic Zone Act was passed by the parliament. सो एक्ट तो पास हुआ था 2005 में और फोर्स में आया था 2006 में. ठीक है. द SEZ एक्ट 2005 केम इन टू इफेक्ट इन फेब्रुवरी 2006. इट हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली. तो देखिए, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली नहीं था, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था. उसके अलावा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये सब तो था ही. इसके अलावा एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही आ रहे हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ SEZ? क्रिएटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिस्करेजिंग फॉरन इन्वेस्टमेंट. नहीं, फॉरन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज करना तो इसका रोल था ही नहीं. ठीक है, इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं तो डिस्करेज क्यों करेंगे? दैट मीन्स यू आर यू नो, एक आप डोर ही क्लोज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो इंडिया जो है वो पहली एशियन कंट्री है जिसने कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इंट्रोड्यूस किए थे फॉर प्रोमोटिंग द एक्सपोर्ट्स विद एशियाज़ फर्स्ट EPZ. ये बना था कांडला, गुजरात में. तो एशिया का पहला EPZ जो बना था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये कांडला, गुजरात में बना था 1965 में. एग्जिम पॉलिसी ऑफ 2000 सेट द बॉल रोलिंग फॉर सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन द कंट्री विद अ व्यू टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एंड हैसल फ्री इन्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स. द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 फर्दर अमेंडेड द कंट्रीज SEZ पॉलिसी. तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था 2005 में, इसने और ज़्यादा अमेंड किया इस पॉलिसी को. बहुत सारे EPZ फिर उसके बाद कन्वर्ट हो गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में. एंड नोटेबल जोन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कांडला में हो गया, उसके बाद सूरत में भी खुला गुजरात में, फिर सेंटाक्रूज मुंबई, कोचीन केरला, चेन्नई तमिलनाडु, फाल्टा वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्रा, इंदौर मध्य प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश. अभी की बात करें अगर एट प्रेजेंट, तो देर आर 268 ऑपरेशनल SEZ. अब ये क्वेश्चन देखिए 2001 का, ठीक है, तो तब के लिए तो देखिए, ऑफ विच तमिलनाडु हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल SEZ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2001 का, तब तो SEZ एक्ट भी नहीं आया था. 2005 में तो एक्ट आया, 2006 से वो ऑपरेशनल हुआ है, तो और चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन उस समय का ये क्वेश्चन है. तो मे बी उस समय जो भी आंसर रहा हो, कहाँ कब आया है एग्जैक्टली हमें डेट तो नहीं पता है. कांडला सबसे पहला था ये हमें पता है, तो ये याद भी रखना है आपको फ्यूचर के लिए. और अभी अगर हम 27
जनवरी 2022 तक का अगर डेटा इसमें जो दिया हुआ है वो देखें, तो तमिलनाडु के पास सबसे लार्जेस्ट ऑपरेशनल SEZ हैं अभी प्रेजेंट में. द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ एशिया वॉज सेटअप इन सो कांडला. इंडिया की पहली एक्सपोर्ट प्रोफेशनल जोन प्रोसेसिंग जोन कांडला में था, यह हमने पढ़ा हुआ है. एशियाज फर्स्ट EPZ वॉज सेटअप इन कांडला. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फ्री ट्रेड जोन. सो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से तिरुवनंतपुरम में नहीं था, बट अभी प्रेजेंट में जितनी भी सिटीज़ दी हुई हैं सब में है. ये 99 का क्वेश्चन है, सो थिंग्स हैव चेंज, 26 ईयर्स हो गए इसके लिए. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडियाज़ फर्स्ट ई पी जेड वॉज सेटअप इन 1965. स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इन इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 2000. वडोदरा इज़ फेमस फॉर पटोला सिल्क. पटोड़ा, एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड पटोड़ा आई थिंक जो लोकल टर्म है. एंड पन्ना इन मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर गोल्ड माइंस. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं. अलग अलग रैंडम स्टेटमेंट्स हैं. देखिए, इंडिया का पहला EPZ 1965 बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा ही है जस्ट कि कांडला में खुला था और ये एशिया का भी पहला था. उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी आई थी सन 2000 में, बिल्कुल आई थी. उसके बाद एक्ट आया था 2005 में और फोर्स में आया था 2006 में. वडोदरा इज़ फेमस फॉर पटोड़ा सिल्क, तो ये भी बिल्कुल सही है. मध्य प्रदेश का पन्ना रीजन जो है वो गोल्ड माइंस के लिए जाना जाता है. देखिए, गोल्ड नहीं, डायमंड माइंस के लिए जाना जाता है. पन्ना जो है वहाँ डायमंड होता है. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीन सही है. द फर्स्ट EPZ ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज एस्टेब्लिश्ड एट. अब ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कहाँ बना था, तो ये सूरत में बना था. सूरत स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग EPZ इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया. 1997 में सूरत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एग्जिस्टेंस में आया, विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर इन द ईयर 2000. और ये मेन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है डायमंड और जेम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का. विच ग्रुप वॉज परमिटेड एट नंदीग्राम एरिया अंडर द SEZ पॉलिसी. तो यहाँ पर ये पुराना क्वेश्चन है, तभी न्यूज़ में रहा होगा. तो सलीम ग्रुप को परमिट किया गया था नंदीग्राम एरिया अंडर द SEZ पॉलिसी. ये एक रूरल एरिया है पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में. 2007 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो सलीम ग्रुप को अलाउ करेंगे कि यहाँ पे केमिकल हब बनाया जाए अंडर द SEZ पॉलिसी, जिसको बाद में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला बाय द विलेजर्स. इन रिलेशन टू द प्रीवियस ईयर, ग्रोथ रेट इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम फंक्शनिंग ऑफ SEZ वॉज हाइएस्ट इन विच ईयर. अब देखिए, अगेन डेटा ड्रिवन क्वेश्चन आ गया है. तो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी वो 2007-08 में देखने को मिली थी. हम देखते हैं अभी का अगर कुछ दिया होगा तो 2020-21 में -4.66 देखने को मिली है. उसके अलावा 2018-19 में, पिछले अगर 5 साल का भी देखें हम, तो 16-17 में 12 थी, 12.05. फिर 17-18 में थोड़ी कम हुई. उसके बाद 18-19 में एकदम से शूट किया, 21% हो गया. 19-20 में उसके दोबारा गिरता है और 20-21 में -4.66 है. अब इसके बाद का 2 साल का डेटा हमें इसमें नहीं पता है, बट अगर इसके हिसाब से देखें तो सबसे हाईएस्ट जो रही है वो 2018-19 में है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अप्रूव्ड एज वेल एज ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एज ऑन June 12, 2012. तो उस समय तो आंध्रा में थी, बट अभी की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट पढ़ा था कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा थी, 50. आंध्र प्रदेश कम्बाइंड हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अप्रूव्ड एज वेल एज ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एज ऑन June 2012. कम्बाइंड का मतलब कि तेलंगाना भी साथ में था. एट प्रेजेंट तमिलनाडु के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ अप्रूव्ड एज वेल एज ऑपरेशनल SEZ हैं. 425 फॉर्मल अप्रूव्ड SEZ और 268 ऑपरेशनल SEZ हैं इंडिया में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रूव्ड नोटिफाइड एंड ऑपरेशनल SEZ इन गिवन स्टेट्स इज एज फॉलोज. सो यूपी में 23 हैं नोटिफाइड और ऑपरेशनल 14 हैं. आंध्रा में 24 ऑपरेशनल हैं. तमिलनाडु में 58 हैं, 50 ऑपरेशनल हैं.
महाराष्ट्र के 46 37 ऑपरेशनल हैं और तेलंगाना में 57 में से 35 ऑपरेशनल हैं। SEZ इंडिया मोबाइल ऐप ये लॉन्च हुआ जनवरी 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। SEZ मोबाइल ऐप by Ministry of Commerce. This app provides detailed information related to special economic zone. The app was launched under the ministry's e-government initiatives. Which among the following organization are responsible for channelizing export and import of India? Mineral and Metal Trading Corporation, Exim Bank, State Trading Corporation, Food Corporation of India. तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से जो organization है वो responsible हैं export इम्पोर्ट चैनलाइजेशन के लिए। तो सारे ही जो ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं ये सभी चैनल करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को चैनलाइज करते हैं। इन विच ईयर द एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप? एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया बना था 1982 में। सो इट वॉज सेटअप इन 1982 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1981 एज अ परवेयर ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट मिररिंग ग्लोबल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज। Exim Bank services serves as a growth engine for industries and SMEs through a wide range of product and services. इसमें क्या होगा, import of technology, it will include the import of technology and export product development, export production, export marketing, pre-shipment and post-shipment and overseas investment. Next is which organization promotes the foreign trade? So ECGC, MMTC, STC are all of the above. तो देखिए ECGC क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। MMTC की बात करें तो मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और STC जो है वो है आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो इनमें से फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है ECGC, फॉर्मरली इसको बोलते थे एक्सपोर्ट ट्रेडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक वाइड रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कवर करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को अगेंस्ट द लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। STC और मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये फॉरेन ट्रेड प्रमोशन से रिलेटेड है। ECGC इज रिलेटेड टू, इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस, और ये सेटअप हुआ था 1957 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री बाई प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इनको प्रोवाइड करना था फॉर एक्सपोर्ट्स। द कॉरपोरेशन हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस एक्सपोर्ट्स क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड कमर्शियल बैंक्स। एक्सटेंडिंग एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट हैंस अमंग द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस अगेंस्ट वेरियस रिस्क टू द एक्सपोर्टर्स? तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ही है ECGC। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग? अगेन ECGC। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ इंडिया इंश्योर्स द रिस्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, इंश्योर्स द रिस्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड? तो ये है एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट ECGC, जनरल इंश्योरेंस या ऑल ऑफ द अबव? सो ECGC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPCG? EPCG का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। द फुल फॉर्म ऑफ EPCG इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इट दिस स्कीम हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी गुड्स एंड टू ऑगमेंट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। ये जो स्कीम है इट विल इनेबल द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स दैट आर यूज इन प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन विदाउट द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। हाउएवर द स्कीम इज सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट वैल्यू इक्विवेलेंट टू 6 times ऑफ ड्यूटी सेव्ड ऑन द इम्पोर्टेशन ऑफ सच कैपिटल गुड्स विद इन 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द ऑथराइजेशन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड ये इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड फाउंडेशन IBEF ये एक ट्रस्ट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा 1996 में। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है, किस लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ इंडियन प्रोडक्ट इंटरनेशनली। IBEF's प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड क्रिएट इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ द मेड इन इंडिया लेबल।
इन मार्केट ओवरसीज एंड टू फैसिलिटेट द डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड या फाउंडेशन है, ये इस्टेब्लिश किया गया है खासकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा. 1986 में इसको बनाया गया था. और ये क्या है, एक तरीके का एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है. तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, आप जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड मतलब इंडिया की ब्रांड को, इंडियन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना इंटरनेशनली, इंडिया की ब्रांड को आगे लेके आना. ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस लेके आना, मेड इन इंडिया लेबल को आगे बढ़ाना. तो ये इसका काम है बेसिकली, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का. मॉर्गन स्टैनले हैज़ रेटेड इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट्स इन 1998 एंड प्लेस्ड इट एट द थर्ड पोजिशन. सो इन द असेसमेंट ऑफ मॉर्गन स्टैनले, ब्राज़ील एंड मैक्सिको रैंक द फर्स्ट एंड सेकेंड. And as per the February 2021 report, among the emerging markets, Morgan Stanley is most bullish on India as favorable union budget has further boosted the India outlook. Tourism industry in India is quite small compared to many others country in terms of India's potential and size. Which of the following statement is correct in this regard? Distances in India are too far apart and its luxury hotels are too expensive for Western tourists. For most of the months, India is too hot for Western tourists to feel comfortable. Most of the picturesque resort in India, such as in the Northeast and Kashmir, are for all practical purposes out of bounds. In India, the infrastructure required for attracting tourists is inadequate. देखिए बाकी चीज़ें ठीक है, far away है तो उसके लिए आपके लिए airplane connectivity है, luxury hotels हैं. Western countries की बात करें तो हमारा जो currency है वो उनसे वैल्यूएशन में कम है, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव फॉर देम. इंडिया इज़ टू हॉट फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट टू फील कम्फर्टेबल. ओके, इंडिया इज़ टू हॉट फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट, बट अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, या जो इंडिया का ये नॉर्मल क्लाइमेट है उसको हम चेंज कर सकते, बट इनके साथ रहते हुए हमें टूरिज़म को अट्रैक्ट करना है. तो ये तो हम बहाना नहीं दे सकते हैं कि इंडिया गर्म रहता है ज़्यादा महीनों में तो इसलिए वेस्टर्न टूरिस्ट नहीं आते. नो, दे आर कंफर्टेबल कमिंग, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस, मतलब फॉर देम टू कम. तीसरा है, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स की रिजॉर्ट जो इंडिया में है वो नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में, जो कि आउट ऑफ बाउंड्स है. नहीं, ऐसा नहीं, आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है. अभी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन तो 99 का है, बट दे आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग प्लेसेस फॉर टूरिस्ट. And India mein infrastructure which is required for attracting tourists is inadequate. This is true actually. So in terms of India's potential and size, tourism industry jo hai wo bahut choti hai compared to many other countries jo bahut choti countries hain, but wahan ka tourism bahut zyada grow kar raha hai. Because India mein jo infrastructure chahiye hota hai tourists ko attract karne ke liye, wo inadequate hai. According to 2006 report of the World Tourism Organization, maximum tourists visited the year two. Maximum tourists visited that year to फ्रांस. ओके, तो ये 2006 की रिपोर्ट है, इसको तो खैर हम अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वही देखेंगे. लेटेस्ट इन्होंने जो प्रोवाइड की है हमको वो है 2019 की. तब भी फ्रांस ही जो था वो मैक्सिमम टूरिस्ट विजिटेड टू फ्रांस. अगेन फ्रांस, देन या 2020 में भी यही था. इट वॉज फॉलोड बाई स्पेन, यू एस ए, चाइना एंड इटली. तो फ्रांस बहुत लंबे समय से इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यू एन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट इन द कंट्री, मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, सो फ्रांस ही था. मुझे लगता है कि सीइंग द लार्ज साइज ऑफ इंडिया एंड द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यहाँ की पॉपुलेशन ही बाहर घूमने के लिए चली जाती है, बाहर वाले इधर जितना आ रहे हैं नहीं आ रहे वो अलग बात है. वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग टूरिज्म टू अदर नेशंस बिकॉज इंडियंस आर एक्चुअली वेरी फॉन्ड ऑफ दिस. एंड इंडियंस शायद बाहर वाले देशों को ज़्यादा टूरिज्म प्रोवाइड कर पा रहे हैं बजाय कि बाहर वाले हमारे यहाँ आके दे रहे हैं, है ना. सो यू विल फाइंड एवरी फोर्थ और एवरी थर्ड पर्सन एन इंडियन वेर एवर यू गो. आई थिंक वेर एवर यू गो आप ऐसी जगह भी सोच के जाओगे कि भाई यहाँ तो शायद ही कोई मिलेगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा कोई ना कोई. सो इंडियंस आर एक्चुअली फॉन्ड ऑफ दिस. एंड नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द मोस्ट फेवरेट इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन टूरिस्ट इन द ईयर 2010. तो इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा गए थे सिंगापुर. और 21 का अगर हम एक ग्लांस देखें तो टॉप 5 डेस्टिनेशन कंट्रीज इंडियन नेशनल डिपार्चर्स के लिए जो थी 2020 में, वो थी सबसे ज़्यादा लोग गए थे यूएई,
33.96, ओ माय गॉड। उसके अलावा 8.13, फिर देखिए अब ह्यूज डिफरेंस देखिए, 34% और 8%। USA 8.13, सऊदी अरेबिया 7.54, कतर 4.19, सिंगापुर 3.97। In which of the following years foreign tourist arrivals has registered decline over the previous year in the country? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। 2020 में डिक्लाइन देखने को मिला था, -74.9, बिकॉज दैट वॉज अ पीरियड ऑफ कोविड पैंडमिक, तो वहाँ तो देखने को मिलना ही था क्या। विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरन टूरिस्ट विजिट्स? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, उस समय महाराष्ट्र था। वील सी द लेटेस्ट डेटा एज पर द, अब ये भी 2020 के, हम 2000 अभी लेटेस्ट डेटा देखेंगे, हम ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये डेटाज आ जाएंगे, सो वी विल चेकआउट देयर। एज पर द रीसेंट डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी रीसेंट भी 2011 का है, अगेन वी आर नॉट गोइंग टू सी दिस। द सिटी विच हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय अ फेमस इंटरनेशनल मैगजीन ट्रैवल एंड लीजर इन इट्स सर्वे 2009 एज अ बेस्ट सिटी फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, उदयपुर, तो ये ट्रैवल एंड लीजर के हिसाब से था। 2021 में सैन मिगुल टी एलेंडो मैक्सिको, ये फर्स्ट रैंक पे आया था इन द 25 बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। उदयपुर को सेकेंड प्लेस मिला था। अदर इंडियन सिटी टू गेट द प्लेस इन द लिस्ट इज़ जयपुर, रैंक 17। तो देखिए उदयपुर बहुत टाइम से ये ले रहा था, अभी भी आता है, अगर आंसर नहीं पता उदयपुर ऑप्शन में तो शायद हम एक बार को रिस्क ले सकते हैं इसमें। नाथुला वॉज रिपोर्टेड इन रीओपन इन 2006 फॉर ट्रांस बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो जो नाथुला पास है, वी विल बी रीडिंग द पासेज इन ज्योग्राफी, एक दो वीडियोस में ही हम इनको कवर करेंगे। तो वहाँ आप देखेंगे जो नाथुला पास है ये कहाँ पर है, इट इज़ इन हिमालयस, ये कनेक्ट कर रहा है सिक्किम को चाइना के तिब्बत रीजन से, ऑटोनोमस रीजन से। एंड इट वॉज सील्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades आफ्टर चाइना सप्रेस्ड अ तिब्बतन अपराइजिंग इन 1959। नाथुला पास जो है वो रीओपन हुआ 2006 में to shorten the travel distance to important Hindu and Buddhist pilgrimage sites in the region and also to give a boost to India-China trade. अभी की बात करें तो नाथुला is one of the 3 open trading border posts between India and China, और ये बहुत famous है अपनी pictures की beauty और beautiful environment के लिए। India in February 2011 signed a free trade agreement with, तो 2011 की बात है, उस समय इन्होंने जापान के साथ साइन किया था। India has recently signed CECA, Comprehensive Economic Cooperation Agreement with, तो मलेशिया के साथ किया था, ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है, एक ही पेपर में ये शायद दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। SEPA जो इन्होंने साइन किया था, मलेशिया के साथ किया था, इन द पुत्रजय सिटी मलेशिया। फिर है Which country among the following used maximum number of anti-dumping measures 1995 से 2005 तक, सबसे ज़्यादा anti-dumping measures किसने use किए थे? So that was India. देखिए dumping क्या होता है, dumping is said to occur when the goods are exported by a country to another country at a price lower than its normal value. ठीक है, तो dumping का मतलब कि आपके country में आपने कोई सामान बनाया और आपने उसको दूसरी country में भेज दिया, उसकी लागत से कम value में आप उसको छोड़ दिया, तो आपने dump कर दिया उस country में। ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है जिसका क्या होता है, एक डिस्टॉर्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड पर। एंटी डंपिंग क्या होता है, ये एक तरीके का मेजर है उस तरह की डंपिंग को रोकने के लिए, टू रेक्टिफाई द सिचुएशन विच इज़ अराइजिंग आउट ऑफ डंपिंग ऑफ गुड्स एंड इट्स ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट। द यूज़ ऑफ एंटी डंपिंग मेजर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन इज़ परमिटेड बाई WTO। तो एंटी डंपिंग मेजर का यूज़ करना जो है ये परमिटेड है WTO के द्वारा, एज पर द डेटा ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डेटा रिलेटेड टू एंटी डंपिंग मेजर ऑफ द गिवन कंट्रीज इज एज फॉलोज। 2005 से 15 का अगर देखें तो USA 137, चाइना 119, यूरोपियन यूनियन 111, इंडिया 272। तो इंडिया रैंक फर्स्ट पे था एंड रैंक सेकेंड 2017-18 रेस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे एंटी डंपिंग मेजर्स यूज़ किए थे। और देखिए एंटी डंपिंग मेजर्स क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ डंपिंग भी ज़्यादा हो रही है। अगर आर सिटी इज़ सो वाइड सो लार्ज और यहाँ पे डंपिंग ईजी एक एक्सेस हो जाती है उन लोगों के लिए, इसलिए इंडिया एंटी डंपिंग मेजर्स सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो एंटी डंपिंग मेजर्स वही सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा जहाँ डंपिंग होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो
आपका जो ट्रेड है उसको डिस्टॉर्ट करता है, तो इसके लिए एंटी डंपिंग मेजर्स लेके आने पड़ते हैं। नेक्स्ट, सुपर 301, ये किससे रिलेटेड है? सुपर 301 एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एटमिक एक्सप्लोजन है, ह्यूमन राइट है, या फिर ब्लॉकेड इन फ्री ट्रेड है। तो ये ब्लॉकेड इन फ्री ट्रेड है। अभी तो हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम इजीली आंसर कर सकते हैं, बट क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो सकती है, और ये बहुत पुराना टर्म है। लेकिन सो सुपर 301 जो था, स्पेशल 301, इट इज़ एन एनुअल प्रोसेस बाई विच द ऑफिस ऑफ यू एस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आइडेंटिफाइज दोज प्रायोरिटी फॉरन कंट्री प्रैक्टिसज द एलिमिनेशन ऑफ विच इज़ लाइकली टू हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू इंक्रीज द यू एस एक्सपोर्ट्स। तो ऐसी कंट्रीज़ की जो फॉरन कंट्री प्रैक्टिस को कर्ब करना जिनकी वजह से यू एस के ट्रेड में कहीं ना कहीं इजाफा हो जाए, कहीं ना कहीं बढ़ जाए। दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड पर्सुएंट टू सेक्शन 301 ऑफ यू एस ट्रेड एक्ट 1974 as amended by section 1303 of the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988। ठीक है, तो ये उस समय का आया था, सुपर 301 93 का क्वेश्चन है ये, उसी समय ये टर्म भी न्यूज़ में था, सो इट वॉज आस्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, एंड धीरे धीरे बस हम इकोनॉमिक्स ख़त्म करने की तरफ ही आ चुके हैं। सो वी विल बी, देखिए मेरे लिए तो पर्सनली थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हाँ समझ में भी आ जाए और थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। एंड आई डू नॉट नो अबाउट यू गाइस, बिकॉज सबका एक कम्फर्टेबल सब्जेक्ट होता है। मेरा कम्फर्टेबल सब्जेक्ट नहीं है, ऑल्दो आई लाइक इकोनॉमिक्स, बट बहुत लंबे टाइम तक बैठ के मैं इसको एक सिटिंग नहीं देखे पढ़ सकती हूँ, एज आई कैन सिट एंड रीड पॉलिटी एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बट विद इकोनॉमिक्स वॉट हैपन्स इज आई कैन नॉट सिट फॉर मोर देन वन और टू आवर्स, बट ऑल दो या दिस इज द सब्जेक्ट विच आई लाइक एक्चुअली, बिकॉज यहाँ एप्लीकेशन पार्ट होता है, यहाँ आपको अप्लाई करना होता है, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। बट हाँ, ये मुझे पर्सनली बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रख पाता है, बाकी सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, सो इसीलिए आई एम सेइंग दिस कि हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म करने वाले हैं। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद आई थिंक 150 पेजेस अराउंड, है ना, और उससे कम ही है। सो वी विल बी डीलिंग विद इट सून, और ऐसा भी नहीं है कि हम जल्दी जा रहे हैं, मैं इसीलिए जो शुरू से मैंने अपनाया हुआ है कि 50 और 60 क्वेश्चंस पर डे रहेंगे, वही हम चला रहे हैं, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज वही चलेगा, आराम से चलेगा। इशू आ रहा है, आप यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है। सो चलने दीजिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हो चुके हैं और आप उनका रिवीजन करना चाहते हैं, देन डू चेक आउट द प्लेलिस्ट। करंट अफेयर्स डेली फॉलो कीजिए, अभी बुक आई है इसीलिए मैंने स्टार्ट किया अभी किस अभी। आप अपनी बुक सामने रखिए या आपके पास पीडीएफ है, जो भी है वो सामने रखिए, और उसके साथ ही इसकी रीडिंग करते जाइए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग,